हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के बारे में। वेलकम टू लर्नीज, यहां हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होता है, उस पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर डिजाइन बनाना है, तो उस डिजाइन के लिए आप अलग अलग शेप्स का इस्तेमाल करोगे, अलग अलग लाइंस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। उसको लुक एंड फील देने के लिए आप कलर का इस्तेमाल करोगे, आप स्पेस का यूज करोगे, आप टेक्सचर डालोगे, तभी तो वो डिजाइन आपको वैल्यू देगा। तो ये सब जो है वो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है। सबसे पहला एलिमेंट है लाइन, सेकेंड इज शेप, थर्ड स्पेस, फोर्थ जो है वो टेक्सचर और कलर है। इन सब के बारे में आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं लाइन पर। लाइन जो है, लाइन एक मोस्ट बेसिक एलिमेंट है डिजाइन का। जब हम स्कूल में थे दोस्तों, तब हम इस लाइन का मीनिंग हमने बहुत अच्छे से समझा है। लाइंस हमारे नोटबुक में होते थे, जिसके बीच में हमें लिखना होता था। लाइन से हमें चीजें जोड़ जोड़ के ड्रॉ करना सिखाया जाता था। लाइन इज बेसिकली अ कनेक्शन बिटवीन टू डॉट्स। वो लाइन से हम सारी चीजें बनाते हैं। मैंने एक डॉट से दूसरा कनेक्ट किया, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से फिर पहला कनेक्ट किया, मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है ना। लाइंस अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे डॉटेड लाइन है, हमने स्कूल में पढ़ा स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जिगजैग लाइन, कर्व लाइन, बहुत सारे तरीके की लाइन हमने पढ़ी है ना। ये सारे तरीके की लाइन जो है किसी डिजाइन को बनाने में आपको हेल्प करती है। दिस इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट इज शेप। अब शेप्स क्या होता है? शेप्स देखो, अब ये जो लाइंस ने आप मिला के जो एक पर्टिकुलर चीज को आकार दिया, वो बना लाइन से ही है, बट वो अब क्या है, अब वो एक शेप है। आपने चारों कोनों को जोड़ के एक रेक्टेंगल बना दिया, आपने तीन कोनों को जोड़ के एक ट्रायंगल बना दिया, या फिर आपने एक पेंटागन बना दिया, एरो बना दिया, या बहुत सारे अलग अलग तरीके की शेप्स। आप बनाते किससे हो? लाइन को जोड़ के ही बनाते हो, है ना। लाइन को जोड़ के हम क्या फॉर्म करते हैं? हम फॉर्म करते हैं शेप, ठीक है। तो अब शेप्स भी जो है वो भी मल्टीपल तरीके की होती है। कितने तरीके की शेप्स होती है? बेसिकली शेप्स जो है तीन तरीके की होती है, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप है सबसे पहला, जो हमने अपने एकेडमिक स्टडी के टाइम पे स्कूल में पढ़ा है। ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे सर्कल है, ओवल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है ना, पेंटागन है, और अलग अलग तरीके के हेक्सागन है, अलग अलग तरीके के डिजाइंस होते हैं, वो बेसिकली हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। सेकेंड इज ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स कौन सी होती है? जो नेचुरल होती है, जो ऑलरेडी नेचर ने बना के रखा है, जैसे पहाड़ हो गया, बादल हो गए, फूल पत्ते हो गए, है ना, ट्रीज हो गए, अलग अलग तरीके के सीड्स हो गए, वो सब जो नेचर ने बनाया, दैट इज अ ऑर्गेनिक एलिमेंट। उनका भी एक शेप होता है। आम आपने देखा कैसा, आम का कैसे शेप होता है, एक सेब का एक अलग शेप होता है। तो हर एक चीज का एक शेप होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक शेप होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे और इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में, जो है एब्स्ट्रैक्ट शेप। एब्स्ट्रैक्ट शेप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली हम दो या दो से ज्यादा शेप्स को मिक्स करके कुछ एक थर्ड शेप बनाते हैं। जैसे एक सर्कल है विद सम सर्कल एंड रेक्टेंगल एंड लाइन, ये सब चीजें जोड़ के हमने एक अलग शेप बनाया, जो कि इस समय हमारी स्क्रीन पे एक हैंडीकैप के साइन की तरह दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट शेप है, जो कि अपने आप में खुद से शेप नहीं है, लेकिन हमने मिक्स शेप करके इसको बनाया। आप लोग ढूंढते भी होंगे एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन और एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स, है ना। नेक्स्ट वन इज स्पेस। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है? स्पेस इज अ एरिया दैट शेप्स ऑक्यूपाई। अब आपने एक शेप तो बना दिया, वो शेप ने क्या किया, एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया। आपने अगर एक शेप मान लो पेपर पे बनाया, तो उसके अंदर का जो एरिया आ रहा है ना, वो आपका स्पेस है। समझ पाए? जैसे मान लो एक रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ रेक्टेंगल के अंदर का एरिया आपका स्पेस है। उस स्पेस को आप बचपन में कलर किया करते थे, है ना। आज हम उस स्पेस को किसी और तरीके से, है ना, अलग अलग कलर डालते हैं। सो यहाँ पे आपको जितनी शेप्स अभी दिखाई दे रही है, इन सब के अंदर स्पेस है।
ये स्पेस आपको हेल्प करता है पर्टिकुलर शेप को आइडेंटिफाई करने में और उसको कलर करके आगे बढ़ाने में। अब स्पेस भी दो तरीके का होता है दोस्तों, एक होता है नेगेटिव स्पेस और एक होता है पॉजिटिव स्पेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस, यहां पे तो कोई सही और गलत की बात नहीं हो रही, तो पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या है ना। पॉजिटिव स्पेस मतलब वो स्पेस जो आपका शेप के अंदर का स्पेस है, जो आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा था, आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसके अंदर का जो एरिया है वो है पॉजिटिव स्पेस। जबकि बाहर का भी एक एरिया है, मैं फिर से पिछली स्लाइड पे जाता हूं, उस स्पेस के बाहर भी एक एरिया है। अब आप देख रहे हो रेक्टेंगल एक बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने एक स्क्वायर बनाया, सो वो रेक्टेंगल जो है वो भी एक एरिया है, वो है नेगेटिव स्पेस। कैसे? नेगेटिव स्पेस के अंदर आपको पॉजिटिव स्पेस नजर आ रहा है। आप अगर जब आप ड्राइंग करते हो, जब आप कोई शेप बनाते हो, तो आप एक नोटबुक के अंदर बनाते हो, तो आपके पास ऑलरेडी एक कैनवस एरिया होता है। वो कैनवस एरिया बेसिकली आपका क्या होता है, आपका नेगेटिव स्पेस होता है। उसके अंदर आप एक एलिमेंट बनाते हो, जो वो एलिमेंट शेप है या कुछ भी है वो आपका पॉजिटिव स्पेस होता है। उस पॉजिटिव स्पेस में फिर आप कलरिंग करते हो, रेड करो, ब्लैक करो, व्हाटएवर, दैट इज योर पॉजिटिव कलर, पॉजिटिव स्पेस। जैसे आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दो तीन एलिमेंट दिखाए गए हैं, पहली पिक्चर में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे एक पियानो का फील आ रहा है। ये पियानो आपको दिखाई दे रहा है, वाइट कलर, ब्लैक कलर दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, बट पीछे भी एक स्पेस है विच इज अ नेगेटिव स्पेस, उसकी वजह से आपको ये शेप प्रॉपर नजर आ पा रही है। अगर मैं उस ब्लैक को हटा दूं ये क्या बन जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो नेगेटिव स्पेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इमेज में अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर वाले एरिया में, मतलब ऊपर का हाफ जो है उसमें आपको नेगेटिव स्पेस के अंदर वाइट कलर नजर आ रहा है, बट कि नीचे वाले में आपको ब्लैक कलर नेगेटिव स्पेस में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पॉजिटिव एलिमेंट चेंज हो जा रहे हैं। वहां पे आपको एक बर्ड नजर आ रहा है, नीचे वाले शेप में आपको एक फिश नजर आ रही है, ठीक है। ऐसे ही आपका थर्ड इमेज में है, अगर आप देखो देयर इज अ लेग, ऊपर से अगर वो देख रहे हो आप तो आपको एक फीमेल लेग दिखाई दे रही है, नीचे से देख रहे हो तो एक मेल लेग नजर आ रही है। दोनों ही केस में नेगेटिव स्पेस है, बट उसका नेगेटिव स्पेस ब्लैक है, इसका नेगेटिव स्पेस वाइट है। तो नेगेटिव स्पेस इज नॉट रेलिवेंट टू द कलर, दैट इज ओनली रेलिवेंट टू द एरिया इन विच योर पर्टिकुलर शेप इज देयर। नेक्स्ट इज कलर। सो अब क्या है, आपने एक शेप बना लिया, आपने बहुत कुछ कर लिया, अब आप उसमें कलर करते हो। बचपन में हमें क्या बोला जाता था कि यार ये एक एप्पल बनाओ और इसको रेड कलर करो, है ना, एक बटरफ्लाई बनाओ तो उसको पिंक कलर करो। सो कलर से ही बेसिकली उस पर्टिकुलर शेप का पता लगता है। सो कलर्स बेसिकली बहुत मीनिंगफुल भी होते हैं। अगर हमें कोई चीज इनकरेक्ट दिखानी है तो हम उसको रेड कलर में क्रॉस लगा के दिखाते हैं, अगर हमको कोई चीज करेक्ट दिखानी है तो उसको ग्रीन कलर में टिक लगा के दिखाते हैं। कलर्स के अपने बहुत मीनिंग है। कलर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक शेप को अलग अलग कलर दिया हुआ है, आप अलग अलग तरीके से कलर दे सकते हो अपने शेप में, अपने डिजाइन में, अपने। नेक्स्ट इज टेक्सचर। अब आपको उसमें कलर नहीं देना, यार मैंने एक टेबल बनाया है मैं उसको कलर देके खराब क्यों करूं, टेबल में मैं क्या डालूंगा, मैं डालूंगा ब्राउन कलर, बट मेरे को ब्राउन कलर नहीं चाहिए, मेरे को वहां पे वुडन कलर चाहिए। सो वुडन कलर क्या होता है, ब्राउन इज द वुडन कलर, लेकिन वुडन में क्या होता है कि अलग अलग तरीके के कलर होते हैं। अगर आपको ये सेकेंड वाला इमेज नजर आ रहा है जहां पे वुडन में ब्राउन भी है, हल्का लाइट ब्राउन भी है, हल्का डार्क ब्राउन भी है, बीच में लाइंस है, वो उसको एक टेक्सचर है, उसको एक फील देता है कि हाँ यार ये टेबल का टॉप है। या फिर आपको पहले इमेज में एक पेपर का टेक्सचर नजर आ रहा है कि हाँ यार एक पेपर है, अगले में आपको एक वॉल का टेक्सचर नजर आ रहा है, थर्ड में आपको एक स्टोन वॉल का टेक्सचर नजर आ रहा है ना। सो दीज ऑल आर टेक्सचर्स विच यू कैन अप्लाई ऑन योर शेप एंड you can save it as a image or as a shape to use it in your design, ठीक है। Texture is another form of color actually, मतलब color में आप ऐसे नहीं दिखा सकते, आप अगर तीन color लगाओगे, चार color लगाओगे शायद वो feel ना आ पाए, पर texture लगाने से वो better feel आता है ना। So design element में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे ये video पसंद आ रहे हैं please इनको like करें, subscribe करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जो इसको पढ़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।